तो चर्चा के क्रम में अभी हम लोग अभ्यास एक पे चर्चा कर रहे थे। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास है, और ये बात ध्यान में आई थी कि देखने वाला मैं हूं, न कि आंखें। तो अभ्यास एक में स्वयं को द्वारा स्वयं को देखने के क्रम में अगर देखें तो क्या मुझे आंख के माध्यम से देखने की आवश्यकता है? अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए क्या आंख की आवश्यकता है? तो नहीं है। तो आंखों को आराम दे सकते हैं, खुला रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं, आधा खुला या आधा बंद रख सकते हैं, जैसा अपने को कंफर्टेबल लगे। क्या मुझे शरीर से कोई काम लेना है? तो अपने भाव को देखने के लिए मुझे शरीर से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर को आराम दें, शरीर को किसी भी आसन में रख सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप एक तरह से ही आंखों को रखें या एक तरह से शरीर को रखें। मूल बात तो यह है कि हमें देखना है ना, स्वयं को देखना है। और ये अपने को प्रस्ताव में मिला ही है कि मानव मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है। तो हमने ये बात सुनी है, हमने इस बात को स्वीकार भी लिया है काफी हद तक, परंतु ये बात हो सकता है अपने अभी देखने में नहीं आया है। तो हम लोग अभी इसको शुरू कर रहे हैं कि कैसे स्वयं को देखें। उसी क्रम में पहले कल्पनाशीलता को देखना शुरू करेंगे, फिर उससे और आगे जाएंगे। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के क्रम में हर क्षण हमें जो अभ्यास करना है वो ये है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने प्रति मुझे सजग रहना है। तो उसका एक आसान तरीका है कि हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग हो जाएं। जो कुछ भी हमारी कल्पना में चल रहा है, कुछ ना कुछ हर समय चल रहा है, उसके प्रति हम सजग हो जाएं। तो उसके पहले भाग में देखें तो अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसमें चल रही इच्छा विचार आशा को देखना है। मैं के द्वारा मैं को देख रहा हूँ, अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोके, बिना उसको बदलने का प्रयास किए, जैसा चल रहा है वैसा ही देखना है। तो देखने के निर्णय को बनाए रखना है। तो इस बात को हम अपने आप में देखें, इसकी आवश्यकता को हम देख पाए कि यहाँ इसकी आवश्यकता है कि नहीं। तो मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, इच्छा भी है, विचार भी है, आशा भी है ना। इसको हमें देखते रहना हर क्षण। अब एक सामान्य सी गलती हो सकती है कि जब हम उसे देखने जाते हैं तो हमारे अंदर हो सकता है कोई ऐसा विचार चल रहा हो जिससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम उसे बदलने का प्रयास करते हैं। या कोई ऐसा विचार चल रहा हो जिसे हम बहुत पसंद करते हैं तो हम उसे बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं हमारे, उससे कल्पनाशीलता हमारी प्रभावित होती है और हम एक प्योर ऑब्जर्वर की तरफ से नहीं देख पाते। अपनी कल्पनाशीलता को एक प्योर ऑब्जर्वर के जगह से देखना है जो कुछ भी इसको चल रहा है। अब शुरू में आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि किसको हम इच्छा कहें, किसको विचार कहें, किसको आशा कहें। तो अभी तो बस ये देखिए कि क्या चल क्या रहा है। उसमें भी हो सकता है शुरू में ये ना दिखाई दे कि चल क्या रहा है, बट ये तो दिखाई दे सकता है कि कहाँ कहाँ ध्यान जा रहा है। तो वहीं से शुरू कर ले। जैसे अभी आपने ध्यान देना शुरू किया तो हो सकता है कि किचन से कोई आवाज आ रही थी, वहां ध्यान चला गया। फिर किचन में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उस पर ध्यान चला गया। फिर उससे कल की उनके साथ बीती हुई घटना पे ध्यान चला गया। उस घटना से किसी अन्य व्यक्ति को ध्यान चला गया। उस अन्य व्यक्ति से अपने कॉलेज को ध्यान चला गया, ऑफिस को ध्यान चला गया। ऑफिस किसी घटना से ध्यान चला गया है ना। और ऐसे हमारा जो कल्पनाशीलता का मुद्दा है वो माइग्रेट करता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। फिर तो इसको शुरुआत में नोट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमें अपनी कल्पनाशीलता भी नहीं दिखाई दे रही और ये भी पता नहीं चल रहा कि किसको इच्छा कहें, किसको विचार कहें, किसको आशा कहें। तो कल्पनाशीलता के जो मुद्दे हैं है ना, कम से कम उनको हम पहले नोट कर लें। तो हम लोग जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसको लेकर जो भी कल्पना चल रही है उसको हम देख सकते हैं कि क्या कल्पना चल रही है। और जो पार्ट बी है कि अगर अपनी कल्पनाशीलता को सीधे सीधे देखने का काम नहीं हो पा रहा तो प्रारंभ में विचार को देखने से काम शुरू कर सकते हैं। तो विचार दिखने लगे तो उसके धार में जो इच्छा है उसे देखने का काम करें। अंततः पूरी कल्पनाशीलता को देखने का काम करना है। तो जो बात हो रही थी कि विचार के बिंदुओं को हम देखना शुरू करें या कल्पनाशीलता के बिंदुओं को देखना शुरू करें, अभी इच्छा विचार आशा ये सारा नहीं दिखाई देता।
हम उन मुद्दों को तो पहले पहचान सकते हैं कि जहां हमारा ध्यान जा रहा है, फिर उससे आगे बढ़कर हम उस मुद्दे पे जो विचार चल रहा है उसको तो देख सकते हैं, फिर उस विचार के आधार में जो भाव है उसको भी देख सकते हैं, फिर आगे पता चला कि उस भाव के आधार में कोई संस्कार है उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत मोटे मोटे तौर पे देखें तो पूरी कल्पनाशीलता कहाँ जा रही है, किस पे ध्यान जा रहा है वहां देखा, उससे थोड़ा सा और बारीकी में गए तो उसको लेकर जो विचार चल रहा है उसको देखा, और बारीकी में गए तो विचार के पीछे जो भाव है उसको देखा, और बारीकी में जाकर वहां के संस्कार को भी देख सकते। बट ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को देखने का प्रयास, विशेष रूप से अपनी इच्छा भाव विचार और आशा को, है ना, विशेष रूप से अपने भाव को अपनी इच्छा को देखने फोकस करना है, क्योंकि तो भाव से ही हमारा विचार तैयार होता है। तो इच्छा का मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ होना चाहता हूं, तो हमारी इच्छा बन जाती है। एक व्यक्ति के रूप में क्या होना चाहता हूं, एक परिवार के सदस्य के रूप में क्या होना चाहता हूं, एक इम्प्लॉय के रूप में क्या होना चाहता हूँ, एक फादर के रूप में या मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, चाइल्ड के रूप में, है ना, ब्रदर के रूप में क्या होना चाहता हूँ, इसको लेकर हमारे अंदर इच्छाएं होती रहती है ना। वैसी अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ हो, उसमें कैसी लाइफ हो, उसको लेकर हमारे अंदर इच्छाएं होती रहती है। तो हम कुछ होना चाहते हैं तो उसको लेकर हमारे अंदर इच्छा हो रही होती है। इसमें आप पाएंगे कोई ना कोई भाव हमारा साथ में बना रहता है, और उस भाव के साथ ही चित्रण होता रहता है ना, एक हम चित्र बनाते रहते हैं अपने अंदर एक सुखी समृद्धि जीवन का। तो ये जो भाव हमारे अंदर बना हुआ है उससे हमारा विचार ट्रिगर होता रहता है। जो भाव बना हुआ, जैसे आप आराम में हैं तो एक तरह का भाव बना हुआ है, उससे आपके अंदर एक तरह का विचार चल रहा होगा। परेशानी में है तो एक तरह का भाव बना हुआ है और उसके अंदर फिर विचार चल रहा है। तो विचार के मूल में भाव है, ये बात हमको धीरे धीरे पकड़ में आएगी। जो साथी अपने पुराने जो सत्र हुए उसमें अगर साथ में रहे हैं तो उनको तो ये जानकारी है, जो साथी इस बार पहली बार जुड़े हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है। तो कोई विचार चल रहा है तो वहां रुकना नहीं है, विचार के आधार में जो भाव है उसको देखना है। तो एक स्थिति आपके अंदर बनने लगेगी धीरे धीरे कि मैं अपनी इच्छा यानी भाव विचार और आशा को देख रहा हूँ, विशेष रूप से अपनी इच्छा यानी भाव को देख रहा हूँ, स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देखना है जैसा चल रहा है वैसा, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसे रोकने बदलने का प्रयास किए। आप पाएंगे कि ये एक सरल काम कार्य है परंतु एक महत्वपूर्ण है। कई बार हमको एक कठिन भी लग सकता है, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं जा रहा है तो उसको हमको प्रयास पूर्वक अपने ऊपर ध्यान देना हो रहा है। कई बार ये हुआ कि ध्यान तो जा रहा है, दिख भी रहा है, बट वो जो दिख रहा है उसको देखकर हम परेशान हो रहे हैं। तो है तो कार्य सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हम लोग अभी अभ्यास भी करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। सर, जो मैंने फील करा आज आज नहीं, कल से ही जो स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें आंखें खोल के तो बहुत ही मुश्किल है, और आधी आंखें खोल के थोड़ा सा हाँ फील हो रहा है कि कुछ चल रहा है, और आंखें बंद करके तो मैं सो ही जा रही हूँ बहुत सारे पेजेस, जैसे कॉपी के पेज होते हैं ना, अब ये चैप्टर है, अब ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये तीसरा सब्जेक्ट है, यानी कि वो बहुत, कभी मैं फैमिली में हूँ, कभी वहां हूँ, कभी वहां, बहुत जगह, और कहीं ऐसी जगह में हूँ जहां मैं खुद खुद को ही पहचान रही हूँ कि ये है, चल के आ रहा है। ऐसे लगा जैसे बहुत डिफिकल्ट वर्क है, और बहुत ज्यादा, फिर 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, उसके बाद तो मैं सो ही जा रही हूँ। नहीं, सो जाते हैं क्योंकि आप लेट गई होंगी, अगर आप बैठेंगे तो नहीं सो पाएंगी। सर बैठे में ही सो गई, ऑफिस में भी सो गई, पता ही नहीं चला मेरे को अच्छा, कैसे, ठीक है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट भी में कोई, जी ये जैसे भी एक अच्छी बात मैंने, हो सकती है। इनफैक्ट अगर जी हमको बैठे बैठे उसमें नींद आने लगे तो आप पाएंगे नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और आप ये भी पाएंगे कई बार जब हम एक्सेस विचार करते हैं किसी मुद्दे को लेकर तो हम थके भी रहते हैं, शरीर थका रहता है, बट उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि विचार चल रहा होता है। तो वो जो नींद की कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाती है। तो शुरुआत में ऐसा होगा, जो आपकी बची हुई नींद है वो पूरी होने लगेगी ऐसी स्थिति में आते ही,
उसको अलाउ कर देती है। जी हाँ सर, पर रिलैक्स तो बहुत मिला ऑफिस में भी, और अभी मैं 4 बजे नींद खुली तो मैंने ये अभ्यास करने का कोशिश करा, आँख खोल के तो टाइम देखा 5 मिनट, पर बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ चल रहा है, चल ही जा रहा है, ऐसे तूफान आ रहा है कि जैसे समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है, और वो मेरे विषय से संबंधित भी नहीं है, मेरे से संबंधित भी नहीं है, और पता नहीं कहीं और से संबंधित है, ये भी बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैंने कहा चलो आधी आँख करके प्रैक्टिस करती हूँ, आधी आँख करके तो सिर्फ ऐसे ही 3 या 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, पर आंख बंद करके 10 मिनट तक रहा, उसके बाद मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसको अभ्यास करें, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी ना, इसको अभ्यास करें अभी। मूल बात है कि हमको अपने भाव को देखना है। राइट सर, अब ये समझ आया कि हमें अपने भाव को देखना है, अब इस समझ पे फिर देखते हैं आगे कैसे चलता है वो। सर जी, वैसे जी, आदमी इसमें एंजॉय तो बहुत करता, हाँ अपने ठीक आप बात को है। देखिए देखने में बहुत रिलैक्स, अपने आप को देखने में पता चल रहा है कि हमें तो ऐसे एक्सरसाइज लाइफ में कभी करी नहीं, अपने आप को ही नहीं देखा, ऐसे ही उम्र गुजार दी कोई बात ये नहीं, बहुत, हाँ जी अभ्यास अभी रहा, कुछ और दिन ये तो मैं करिए। कहती हूँ अब मैं अपने स्कूल में बच्चों को भी यही प्रैक्टिस कराऊंगी कि स्टार्टिंग से ही ऐसे अपनी एक्सरसाइजेस करो। भैया क्योंकि पिछले सेशन से चल रहे हैं तो अभ्यास भी कर रहे हैं, तो अब इच्छा विचार आशा तीनों देख पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन जो आ रहा है मेरे को, कभी हम इच्छा वर्ड यूज करते हैं, कभी हम भाव वर्ड यूज करते हैं, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ थोड़ा इच्छा और भाव में अंतर देख पाता हूँ भैया, क्योंकि भाव जो है वो संबंध का है या विरोध का है या व्यवस्था या अव्यवस्था है या अस्तित्व या संघर्ष का है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जितना हम अवेयरनेस से देख पाते हैं, और मान्यता आधारित नहीं हो तो संस्कार बनते हैं, या मान्यता आधारित है तो भी संस्कार बनते हैं, दोनों में अलग अलग तरह के संस्कार बनते हैं, और कुछ मान्यता आधारित संस्कार सह स्वीकृति के आधार पर भी हो सकते हैं और उसके अपोजिट भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह के संस्कार देख पाते हैं वो इतना गहराई से नहीं, लेकिन हाँ देख पाता हूँ। और अब जो भाव है भैया और जो इच्छा है, इन दोनों में थोड़ा मुझे डिफरेंस लगता है, क्योंकि इच्छा तो कई बार कुछ खाने की भी होती है, कुछ पहनने की होती है, लेकिन उसमें फिर भाव तो कुछ और होता है, भाव या तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का होता है, तो क्या भाव और इच्छा दोनों अलग अलग है भैया? तो ऐसा नहीं है कि भाव संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का योगा, जो कुछ भी है जो चल रहा है हमारे इच्छा में उसको हम देख सकते हैं, वहां पे भाव का मतलब कि उस समय आप अगर उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपकी कोई स्थिति होती है, जैसे आप आराम में हैं तो एक तरह की स्थिति है, परेशान है तो अलग तरह की स्थिति है, तो परेशानी का भाव है, जैसे मान लीजिए कोई बात कोई घटना हो रही है और उसमें आपको अपना भागीदारी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो उस समय आप भाव को देखेंगे तो परेशानी का भाव बना हुआ है, और ध्यान देखें उसका किसी के प्रति विरोध का भाव बना हुआ है, किसी के प्रति संबंध का भाव बना हुआ है, तो भाव का एसेंशियली मतलब है भागीदारी। तो भागीदारी जो हम अभी स्वयं में लेके चल रहे हैं वो हमारी सह स्वीकृति के आधार पर भी हो सकता है, मान्यता के आधार पर भी हो सकता है, संवेदना के आधार पर भी हो सकता है, तो उसको ऑब्जर्व करना है और उसको लेकर हम चित्रण करते रहते हैं। तो अभी इसको बहुत डिफाइन करने के बजाय आप सिंपली देखिए वहां पे आपका भाव क्या है। तो ऐसा नहीं कि भाव या तो संबंध का होगा या व्यवस्था का होगा या अस्तित्व का होगा, जो भी है अभी इसको बहुत एनालाइज न करके सिंपली देखिए भाव क्या है हमारे अंदर और उसको नोट कर लीजिए, आराम में है कि परेशान है ना, वो भी एक भाव हो सकता है। हाँ भैया, हाँ नहीं वो नोट कर पाता हूँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाव के अकॉर्डिंग इच्छा वगैरह बनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग विचार बनता है, उसके अकॉर्डिंग आशा बनती है, तो भाव और इच्छा में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है मेरे को, इसलिए क्लियर करना चाह रहा था। जी जी ये जो हम कुछ खाने पहनने की इच्छा कहते हैं ना, बेसिकली ये आशा होती है, इच्छा नहीं होती है, ये आशा कोई होती वहां कुछ चयन हो रहा है उसके साथ कोई स्वाद जुड़ा हुआ है। हाँ 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 तो भैया वो तो बहुत ऊपर मन के तल पर ही है, जो इंद्रियों से जो मन से जो कनेक्शन हो रहा है, ये जो सारी देर रूटीन की जो चीजें हैं वो जनरली उसके आस्वादन के तल पर ही चलती हैं, मन के तल पर ही चलती हैं, वृत्ति और चित्त में नहीं होती है, वहां पर फिर थोड़ी गहराई से विचार आते हैं और फिर जब चित्त में देखें तो भाव होते हैं, और अगर चित्रण है तो इसी तरह की चीजें चलती रहती है, और चिंतन है तो फिर वहां पर हम थोड़ा सा नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ पाते हैं।
आखिरी बात को फिर से एक बार कह दें। भैया बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे खाने की पहनने की, ये मुझे ऐसा लगता है कि मन के तल पर ही चलती है, उसके बेस में भी कुछ मान्यताएं इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन जो इच्छा है वो कहीं कहीं मतलब इच्छा और भाव, उसके पीछे भाव होता है इच्छा के पीछे। और या तो फिर आपने जो क्लियर किया वो ठीक है कि ये जो सब चीजें हैं वो जो सुपरफिशियल है ये मन के तल पर ही होती है, फिर वहां पर मन को वहां पर ना लाए, है ना। बेसिकली वो देखे तो अभी हम लोग आशा शब्द को लेके चल रहे हैं, तो आशा के स्तर पे है कुछ हमने चयन किया हुआ है, कुछ हमारे अंदर आस्वादन हो रहा है, तो कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ है ना सुन ले, कुछ देख ले, इस तरह का हमारे अंदर एक आशा बनी हुई है, इससे हम सुखी हो जाएंगे, उसको लेकर हम अपने अंदर कुछ चयन कर रहे हैं। तो अभी इच्छा शब्द को हम लोग कई बार बहुत ही लूजली प्रयोग करते हैं। इच्छा का एसेंशियली अगर मीनिंग देखें तो कुछ होना है, बट ये कुछ जो पाना है, कुछ जो स्वाद लेना है, ये आशा के स्तर की बात है। नहीं, जैसे भी आप उदाहरण देते हैं कि कार खरीदने की इच्छा है या रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो उसके उस इच्छा के बाद में विचार चलता है कि कहाँ खाना है, कहाँ से लेना है, किस तरह का खाना है, तो वो फिर तुलन विश्लेषण चलता है और उसके बाद आस्वादन जो बना हुआ उसके अकॉर्डिंग हम चयन करते हैं। तो ये भी जा तो इच्छा में रहा, और फिर हम जो बात कर रहे हैं वापस की मन आस्वादन के तल पर ही है, तो क्या ऊपर की प्रक्रियाएं उसमें शामिल नहीं है? हाँ, उसमें भी देखे ना, तो हम लोग अभी जब UHV में डिस्कशन शुरू करते हैं तो लिस्ट ऑफ डिजायर्स जो बनाते हैं उसमें हम कई बार आशा के स्तर की चीजों को भी डिजायर्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वहाँ फिर बहुत सारी चीजें रख देना एक साथ क्लियर नहीं करेगा। तो जैसे कार खरीदने की इच्छा है, तो वहाँ बेसिकली देखें तो हमारे अंदर जो इच्छा होती है वो तो कि कार में बैठा हुआ मैं सम्मानित महसूस करूंगा, या कार में बैठा हुआ मैं सुरक्षित महसूस करूंगा, या कार में बैठा हुआ है ना मेरी ऐसी स्थिति बनेगी, वो इच्छा के स्तर पर है। तो कार खरीदने की जो इच्छा हम कह रहे हैं बेसिकली वहां पे जो भाव है वो इच्छा के स्तर पे है, बट कार खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आशा के स्तर पे है, चयन के स्तर पर है। तो अभी हम लोग इच्छा को जब इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कंटेंट का, तब तो थोड़ा लूजली ही प्रयोग करते हैं, बट एसेंशियली उस कार के साथ में जो होना चाहता हूँ वो इच्छा है। ठीक, मैं विश्लेषण करता हूँ और फिर किसी निष्कर्ष से पहुंचता हूँ कि ये कार लेनी है ना, और वहां पे फिर उसका आस्वादन करता हूँ। तो ये जो चीजें करनी है, लेनी है, देनी है, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो एसेंशियली ये आशा के स्तर पे है, उसके पीछे कुछ विचार चला है, उस विचार के पीछे कुछ भाव है। भैया ऐसा तो नहीं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम उसको अलग तरह से देख रहे हैं, और यार जो एक जो भाव के तल पर जो हम बात कर रहे हैं वहां से जब आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस डिफरेंस की वजह से तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रहा भैया? नहीं नहीं, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मान लीजिए जैसे अभी इसको इच्छा कह भी दे थोड़ी देर के लिए, चलिए ठीक है ना, वैसे वो इच्छा का स्तर रखना ठीक नहीं है, कार खरीदने का चयन हुआ आपका। नहीं भैया, लेकिन भैया इच्छा है तभी तो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तुलन विश्लेषण आस्वादन चयन सभी इच्छा के कारण ही तो एक्टिवेट हो रही है, अगर इच्छा ही नहीं हो तो कुछ एक्टिवेट ही नहीं होगा। हाँ ठीक बात है, तो वहाँ इच्छा क्या है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी, तो कार खरीदने की अगर हम इच्छा कह रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए कह भी ले अगर, तो वहाँ इच्छा क्या है हमारी, कार क्यों खरीदना चाहते हैं, ये अपने आप से पूछें। हाँ भैया, तो फिर ये यहाँ पर फिर हम भाव को देख पाएंगे, अगर हम इच्छा के पीछे क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो फिर वहां भाव दिखाई देगा और फिर उसके पीछे हमें संस्कार भी दिखाई देगा। हाँ, तो वो भाग इच्छा का है, तो कार खरीदने का चयन हुआ है। जी जी, ठीक है ना, उस चयन के पीछे कुछ विश्लेषण हुआ है, और प्रयोजन के रूप में देखें तो वहां कुछ भाव है हमारा, कार क्यों खरीदना चाहते हैं। तो जैसे हम है ना, ऐसा हो सकता है कि परिवार को लेकर कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें हमें लगता है कि अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो हम परिवार के साथ सुखपूर्वक कहीं पहुंचना चाहते हैं, है ना, तो वहां पे जो भाव हमारा बना रहा है परिवार के साथ सुख का, तो उस भाव के साथ कार का निर्णय हो रहा है। जी जी जी, तो इन चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। तो हम जो कुछ होने का चल रहा है हमारे अंदर वो इच्छा के स्तर पर है, जी, जो विश्लेषण कर रहे हैं विचार के स्तर पर, जो चयन हुआ कि कार से जाए या टैक्सी हायर करें, है ना, या किसी और मोड से जाए, ये सारा आशा के स्तर पर है। हाँ भैया, हाँ, तो भैया फिर ये तो मेरे अब ये तो फिर हो रहा है कि
इच्छा के पीछे भाव है भैया, तो फिर इच्छा के पीछे भाव है, इसका मतलब इच्छा और भाव इच्छा अलग के है पीछे भाव नहीं भैया। जैसे कार, भाव नहीं। नहीं कार खरीदने की इच्छा है तो उसके पीछे भाव क्या है, किस भाव से खरीद रहा हूँ कार को? वही मैं इसको फिर से बताता हूँ। तो अभी हम सब कहते हैं कार खरीदने की इच्छा है, बट उसको अगर ठीक से कहें तो कार खरीदने का चयन हुआ है, इच्छा जी नहीं है, ठीक है ना। भैया चयन चयन तो क्यों बाद हुआ में होगा ना है कि कौन वहां सी, पे? चयन भैया भैया चयन तो बाद में होगा ना कि कौन सी कार लेनी है, कहाँ से लेनी है, पैसे कहाँ नहीं से नहीं लाने। नहीं सुन लीजिए उसको पहले। कार खरीदना है नहीं खरीदना, ये भी चयन है। ना कौन सी कार खरीदनी, ये भी चयन है। कहां से खरीदनी, ये भी चयन है। जी तो कार खरीदनी है नहीं खरीदनी है ना, ये तो चयन में ही तय होगा ना। नहीं उसके भैया, पीछे कुछ उसके पीछे इच्छा है वो तो है ना भैया, किसी की इच्छा ही नहीं होती है, चयन तो बाद में आएगा। हाँ रुक जाइए। तो क्या इच्छा, जैसे कार क्यों खरीदना चाह रहे हैं, इससे बात कर लेते हैं। हाँ उसके पीछे क्या भाव है वो अलग हो सकता है, जैसे अभी तीनों नहीं से हो सकता नहीं है, संवेदना से भी हो सकता है, मान्यता से भी हो सकता है, और सह स्वीकृति से भी हो सकता है। हाँ तो फिर उसको अभी इच्छा ना कहे ना। फिर कार खरीदने का मान लीजिए चयन हो रहा है, या कार खरीदने का आपने एक सिलेक्शन किया है, उसके पीछे कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उसको देखें हम। तो हमको भाव दिखाई देगा। अब हम कार खरीदने की इच्छा है, इच्छा के पीछे भाव कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो भाव जो है इच्छा में ही है, अच्छा इन दोनों को सेग्रीगेट करके चले। क्या हम जी उसको जी पहले फिक्स कर दे कार खरीदने की इच्छा, फिर हमको लगता है भाव से ऊपर कोई चीज है। वही कंफ्यूजन हो रहा था भैया थोड़ा सा। तो कार खरीदना है नहीं खरीदना है, ये आपके सिलेक्शन के लेवल पे है। उसके पीछे कुछ एनालिसिस चल रही है, उस एनालिसिस के पीछे कुछ फीलिंग है। तो ऐसे हम लोग लूजली स्पीकिंग कहते हैं डिजायर फॉर अ कार, है ना, डिजायर फॉर अ हाउस, कार की इच्छा, घर की इच्छा, है ना, कहीं आने जाने की इच्छा। वो इच्छा नहीं है, वो आशा है, सिलेक्शन है, चयन है वहां पर। उसके पीछे जाके देखें कि वो है ना, ये चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे हो सकता है कि कहीं गए और भींग गए, बारिश हुई है ना, भींग गए हम और हमको बड़ा कष्ट हुआ। तो अपने अंदर ये भाव चलना शुरू होता है कि अगर अपनी गाड़ी होती, अपनी गाड़ी से गए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो जो परेशानी हुई उसके पीछे, उसके साथ हमने जब एनालाइज किया तो हमारे अंदर ये भाव बना कि अगर मैं कार में बैठा हुआ हूँ तो इस परेशानी से बच जाऊंगा। तो वहां से फिर वो निर्मित होना शुरू हुआ। फिर जाके सिलेक्शन हो गई कार लेनी है, फिर पता चला कार की प्राइस इतनी है, तो सिलेक्शन ड्रॉप हो गया। वो कह रहे भाई और भी तो मोड्स हैं, है ना, ऑटो लेके चले जाते, तो फिर सिलेक्शन ड्रॉप हो गया। तो अपने अंदर कुछ परेशानी हुई, उस परेशानी के साथ हमने विचार किया, तो वहां पे हमारा भाव काम कर रहा है जिसके साथ हम विचार कर रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा जो इच्छा शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग अभी ओपन रखें, बजाय इसके जी कि उसको फिक्स कर दें कि ये इच्छा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा सिलेक्शन जी हाँ भैया, वैसे महत्वपूर्ण तो केवल देखना है, बात ये है, शब्दों में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा एकदम ऐसा क्लिक किया कि इच्छाएं तो कई तरह की होती हैं पर उसके पीछे भाव कुछ होता है, इसलिए पूछा था। बाकी ठीक आप जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा भैया। है। हाँ नहीं तो इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं, वो तो ठीक है। तो हम भाव भी कई प्रकार के होते हैं, जी, तो हम उसको जितना सूक्ष्मता से देख पाएंगे उतना हमको पता लगेगा कि इच्छा में क्या चल रहा है, विचार में क्या चल रहा है, आशा में क्या चल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज शाम को डोसा खाने की इच्छा है, जी ठीक। अभी डोसा खाने की इच्छा नहीं है, स्वाद से सुखी होने की इच्छा है जी जी भैया कि नहीं, बट हम लोग बोल देते हैं डोसा खाने की इच्छा है, या आज बाहर खाने की इच्छा है, घर में नहीं खाने की इच्छा है। हाँ, तो भैया ये एक तरह से उस टॉपिक पे डिपेंड करता है, उसी को हम इच्छा और उसी को हम भाव बोल रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक वो हो रहा है बस और कुछ नहीं। नहीं, टॉपिक टॉपिक नहीं, सिलेक्शन। और आप सिलेक्शन को थोड़ा पहचानने का प्रयास करिए कि जो सिलेक्शन हो रहा है कि बाहर खाना है कि घर का बना हुआ खाना खाना है, डोसा जी खाना है कि कुछ और खाना है, ये सारा सिलेक्शन में हो रहा है। तो जहां भी आप चॉइसेस लेके चल रहे हैं ना, वो सिलेक्शन के लेवल पे है। जी तो कार खरीदनी नहीं खरीदनी, ये भी चॉइसेस है। लेनी है तो जी कौन सी लेनी, ये भी चॉइस है।
उसी ब्रांड में ही कौन सा वर्जन लेना ये भी चॉइस है, उसी वर्जन में कौन सा कलर लेना ये भी चॉइस है जी। तो ये सारा सिलेक्शन के लेवल पे है, पीछे भाव कुछ बना हुआ है। हाँ भाव, जैसे भैया यहाँ पर अगर लें खाने की चीजें तो भाव बॉडी को नर्चर करने का है या तो आप देखिए अपने आप में जी जी तो है ना। हाँ वो देखिए, देखिए इन सब चीजों को तो देखना होगा जी। तो जैसे आज हुआ कि भाई रोज घर का खाना खाते हैं, आज बाहर खाएंगे, ये सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। जी जी अब बाहर खाना खाने के पीछे क्या भाव है हमारा, इसको ऑब्जर्व करिए, है ना। रोज इंडियन खाते हैं, आज कुछ चाइनीज खाएं, रोज नॉर्थ इंडियन खाते हैं, कुछ साउथ इंडियन खाएं, ये सारा तो सिलेक्शन कर रहे हैं, चॉइसेज है यहाँ पे, उसके पीछे भाव क्या है इसको ऑब्जर्व करिए जी जी भैया। हाँ भैया, और ऑब्जर्व करूंगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके बाद कभी और होगा प्रश्न तो आपसे बात आपसे जी बिल्कुल। समान रूप से होता है कि हम इच्छा और आशा को मिक्सअप कर देते हैं, प्रयोजन को देख पाएंगे तो इच्छा स्पष्ट होगी जी। हाँ मतलब इच्छा और आस्वादन में मिक्सिंग हो जाती है भैया कभी। हाँ सिर्फ आस्वादन नहीं, चयन भी है, तो आशा कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इच्छा और आशा को हाँ अलग अलग देखते हुए चले। शुरुआत में थोड़ा कठिन मालूम दे सकता है क्योंकि इच्छा शब्द को बहुत लूजली प्रयोग करते हैं, और फिर ये जो बहुत सारे और शब्द आते हैं ना मन वृत्ति चित्त, उससे चीजें और लगने लगती हैं। तो उस वस्तु को देखिए और उसको प्लेस कर ले हम लोग, उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, इच्छा के स्तर पर, विचार के स्तर पर या आशा के स्तर पर, अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है, रोकना नहीं है, उससे संघर्ष नहीं करना है, उसमें उलटफेर नहीं करना है, जैसा है बस वैसा उसको देखना है। 10 मिनट का समय लगाएंगे अभी, फिर इस पर चर्चा करेंगे जी। तो 10 मिनट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। बढ़िया, 10 मिनट हम लोगों ने ध्यान दिया, अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास किया, इसे अब अभ्यास के रूप में ले आना। तो अगर हम ऐसा अभ्यास कर पाए कि हर 4 घंटे पे कम से कम आधा घंटा बैठ के अपने आप को देख पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिछले 4 घंटे में जो कुछ चला उसको भी देख सकते हैं, उस क्षण में क्या चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो कृष्ण जी के साथ जो चर्चा हो रही थी उसमें इच्छा और आशा के बीच अंतर आपको समझने में सहयोग मिला होगा। तो कुछ होना चाहते हैं उसे इच्छा कह रहे हैं, कैसे हो उसको विचार कह रहे हैं, और बाहर से कुछ पाकर ऐसा हो जाए उसको आशा कह रहे हैं, या ऐसा हो जाए उसको आशा कह रहे हैं। तो इच्छा के अवसर पर देखें तो चित्रण की क्रिया चल रही है, विचार के अवसर पर देखें तो विश्लेषण और तुलन की क्रिया चल रही है, आशा के अवसर पर देखें तो चयन और आस्वादन की क्रिया चल रही है। तो अगर हम अब स्वयं की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं तो पूरी कल्पनाशीलता शायद तुरंत न दिखाई दे, विचार दिखाई देते हैं कई बार। तो विचार दिखाई दे तो विचार को देख लें, फिर विचार के पीछे जो भाव है उसको देख लें, वो भाव इच्छा में ही चल रहा है, और आप पाएंगे कि कोई भाव है जो हमारे अंदर बना रहता है, हमें कई बार उसका होश नहीं रहता और हमारे अंदर उस भाव के आधार पर कई सारे विचार चल रहे होते हैं, और उन विचारों के कारण हमारे आशा के स्तर बहुत सारा भंगर बना रहता है, जो आस्वादन हो रहा है वो सुख का नहीं हो रहा, चयन बार बार बदल रहा है, कुछ कभी इस तरफ कभी उस तरफ है ना चयन हो रहा है। तो अगर हमको भाव ही दिखने लगे साफ साफ और वही हम तय कर पाए कि भाव हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, तो फिर आगे काम बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो शुरुआत तो हम जहां से भी खड़े हैं वहां से देखना शुरू करेंगे, विचार दिख पा रहे विचार को देख लेंगे, विचार भी नहीं दिख पा रहा है तो कल्पनाशीलता का मुद्दा क्या है, बिंदु क्या है, किस पे ध्यान जा रहा है उसको देख लेंगे। तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं, पूरी कल्पनाशीलता का बिंदु क्या है, किस बात को लेकर ध्यान जा रहा है, वहां से आगे बढ़े विचार को देखा, विचार से आगे बढ़े भाव को देखा, है ना। तो ये अभ्यास अपने आप पे करना है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका मूल्यांकन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, रोकने का प्रयास नहीं करना है, बदलने का प्रयास नहीं करना है, एक सहजता के साथ देखना है, जो कुछ भी चल रहा है उसको देखना है।
कई बार उदाहरण लेते हैं ना कि जैसे नदी बह रही है, उसके किनारे हम खड़े हैं और नदी के बहाव को देख रहे हैं, वैसे ही जो कुछ मेरी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको हम देख रहे हैं एक बहाव के रूप में, ठीक है। और देखते हुए विचार को देखते हुए भाव तक पहुंचना है। अब ये देखिए तो स्वयं में स्वयं द्वारा होने वाला कार्य है ना, मुझे स्वयं को ही देखना है तो बहुत सरल और महत्वपूर्ण भी है। बट आप पाएंगे जो कठिनाई आती है हमको, वो ये आती है कि आम तौर पे दिनचर्या में हमको अपने भाव नहीं पकड़ जाते, भाव नहीं दिखाई देते, अधिकतर हम विचारों को देखकर कुछ ना कुछ निर्णय लेते रहते हैं। यदि हम भाव को भी देख पाए तो हम पहले से तय कर सकते हैं। आप कई बार पाएंगे कि जैसे आपके अंदर कोई परेशानी का भाव है, इसी बात से आप परेशान हैं, उस परेशानी में आपके अंदर कल्पनाशीलता में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप खुद से ही किसी व्यक्ति को एक पात्र बना लेते हैं, उस पात्र के साथ कोई घटना होने लगती है, पीछे घटी कोई घटना होती है उससे जुड़ी हो सकती है, और उसके साथ फिर आपके अंदर कुछ विचार में ही है ना संघर्ष चलने लगता है, कुछ उलझन चलने लगती है। तो मूल में देखें तो भाव यह है कि हम वहां पे परेशान हैं, संबंध का भाव नहीं है, विरोध का भाव बना हुआ है, कोई दुखी होने का भाव है वहां पर, और उसके साथ फिर हम अपने अंदर नई नई कल्पनाएं निर्मित कर रहे हैं, नए नए लोगों को चुन रहे हैं, उनके साथ हम घटनाओं को चित्रित कर रहे हैं, उसे फिर उलझ रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। इसको अपने आप में हम ऑब्जर्व करते रहें। डिजायर विल बी वन ऑफ दोज थ्री बेसिक ह्यूमन डिजायर्स, नहीं डिजायर कुड बी एनीथिंग, डिजायर का मतलब है एसेंशियली इमेजिंग। तो जो भी आपके अंदर फीलिंग है, उस फीलिंग के साथ आप या तो हैप्पीनेस के लिए इमेजिनेशन इमेजिंग कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए, या फिर अनहैप्पीनेस से बाहर निकलने के लिए इमेजिंग कर रहे हैं। एक प्रश्न है, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, इच्छा या आशा? ये देखे तो आशा है, इच्छा क्या है कि डॉक्टर बनकर सुखी हो जाएंगे, तो वहां पे सुखी होने की इच्छा है। सुखी होने के लिए हमने जो चित्र बनाया है उसमें डॉक्टर फिट बैठ रहा है, तो अगर बहुत ठीक से देखेंगे तो ये आशा के स्तर पे डॉक्टर बन जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इच्छा मतलब एक डॉक्टर के रूप में देखते हुए मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं एक डॉक्टर हो गया हूँ उस सदा पे मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो इच्छा है, भाव क्या है वहां पर, ठीक बात है। तो इसमें ये सेग्रीगेशन जितना हम कर पाएंगे उतना हमको हेल्प करेगा। बट जनरली हम कहते हैं भाई डॉक्टर बनने की इच्छा है, कि इंजीनियर बनने की इच्छा है, कि IAS बनने की इच्छा है, ठीक है ना। बट एसेंशियली देखें तो वहाँ जो भाव का है वो इच्छा के स्तर पर है। कोई को डॉक्टर बनने का भी हो सकता है सिलेक्शन, किसी का इंजीनियर बनने का हो सकता है, किसी को बिजनेसमैन बनने का हो सकता है, किसी का IAS बनने का हो सकता है। बट कॉमन रूप में देखें तो ऐसा हो सकता है कि सभी लोग इस सारे सिलेक्शन के साथ एसेंशियली वहां पर सम्मान को देख रहे हैं, एक सम्मानित जीवन जीने की इच्छा है। उस सम्मानित जीवन को जीने के क्रम में हमने विचार किया और हम इस निष्कर्ष पहुंचे कि डॉक्टर बन के ऐसा हो पाएगा कि इंजीनियर बन के, या हमें समाज की भलाई करने की बात है, समाज का उपकार हो, ऐसा कोई हमारे अंदर भाव है। उस भाव के साथ फिर हम विचार कर रहे हैं और फिर हम उसके साथ कुछ जॉब सेलेक्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों को अलग अलग करके देखने में थोड़ा समय लग सकता है, बट यदि लगे कि दोनों एक ही लग रहे हैं तो आप एक प्रयोजन को देख लीजिए, पर्पज को देख लीजिए, उस पर्पज से क्लैरिटी बनेगी। तो स्टेप वन में पाएंगे कि यह एक सरल कार्य है परंतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो कल्पनाशीलता निरंतर चल रही है, देखने की क्षमता हमें स्वाभाविक रूप में है ही, मुझे बस देखने का निर्णय लेना है और देखना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षण में मेरा जो दुख है मेरे ही भाव विचार पर निर्भर करता है, मेरी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि मुझे विरोध का भाव विचार चल रहा है तो मैं दुखी होता हूँ, संबंध का भाव विचार चल रहा है, स्नेह का भाव विचार चल रहा है तो मैं सुखी होता हूँ। तो कल्पनाशीलता तो निरंतर चल रही है, मेरे अंदर ही चल रही है, मुझे ही देखना है, सरल है, देखने की क्षमता मुझ में है ही, बस एक निर्णय लेना है, हम देख पाएंगे। इसके लिए हमको अलग से कुछ करना नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं करनी है,
कहीं उठ के जाना नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, बस स्वयं पे ध्यान देना है। तो अपने आप में तो सरल है, परंतु जो आप देखने जाते हैं तो हो सकता है अंदर दुख दिखाई दे, परेशानी दिखाई दे, या ऐसी चीजों को आप भूल चुके हैं जो आपके लिए दुखकारी थी पहले अतीत में, वो लौट लौट के आने लगी है ना, या जिनके साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है, बार बार उन्हीं पे ध्यान जा रहा है, तो थकावट का काम भी हो सकता है, उसमें परेशानी भी हो सकती है। तो सरल तो है ना, महत्वपूर्ण भी है। जी भैया, यहाँ मैं मतलब हमारी वर्कशॉप चल रही है, भोपाल में हूँ अभी, UHV और आनंद विभाग की ओर से जो CM राइज स्कूल में आनंद सभा और वर्क बुक वगैरह जो बुक्स आई हैं उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप है। तो कम से कम 100-125 स्कूल टीचर आए हैं विभिन्न जिलों से, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले शुरू में वो लोग भानु भैया जी हैं और आभा दीदी है, हिमांशु भैया हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है वर्कशॉप को। ऐसा लगता है कि कितनी बार सुनूं उतना कम है, और खुद में रिवीजन भी होता है, खुद में एक्सप्लोर होता है। और शुरू में तो मतलब 2 दिन वो लोग काफी ऐसे आए थे कि ट्रेनिंग होती रहती है, उस मूड में थे और विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो रहे थे जिसका समाधान भी हो रहा था। आज तीसरे चौथे दिन, आज 5वां दिन है, काफी एक्सप्लोर मतलब उन लोगों ने काफी जा रहा है गहराई से। अब वो समझे हैं इच्छा आशा विचार, पर कुछ शब्दों में भी उलझते हैं, और पर उनका समाधान होता है। सुबह 8 बजे से मतलब 9 बजे से जो वर्कशॉप चलती रात के 8 बजे तक, और बाद में 10 बजे तक हम लोग मीटिंग वगैरह करते, तो बहुत अच्छा लगा है। बस मैं यही सुनाना आप सबको बताना चाह रही थी कि जब मेरी मतलब इच्छा है कि इच्छा थी कि मतलब स्कूल्स में जाए, अब जो भाव है विचार चल रहे थे, भाव मेरे ये हैं कि बच्चे मतलब अच्छे भाव है उनके प्रति कि बच्चे ये स्कूल में जाए और बच्चे इनको इसमें ये जो कंटेंट है उसमें यदि बच्चों में शुरू से आते हैं तो ये हमारा समाज कितना अच्छा होगा, और ये सब फील कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब ये विचार चल रहा है कल्पनाशीलता में और वो 1 तक जाए, दूसरा और इसे अच्छा समाज एक निर्मित हो ये स्कूल के लिए, जैसा कि हमारा पहले से भाव था कि ये जाए उसमें और वो ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो अब आशा पे है कि क्या है ये। और तो आशा है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर हर स्कूल में ये विषय वस्तु चली जाए तो सारे बच्चों को ज्ञान होगा, समाधान होगा, उससे सारे बच्चे सुखी होंगे, ये आशा लगी हुई है हमारे अंदर। जी जी। और सर भैया मतलब सारे टीचर्स भी जी जी, इसके साथ हम स्वयं में क्या देख रहे हैं, तो आपके अंदर कोई भाव है, संबंध का भाव है, इच्छा कैसे भी देखें तो बच्चों के प्रति संबंध का भाव है, आशा है कि अगर ये वस्तु चली जाए बच्चों तक तो सारे बच्चे समाधानित होंगे, है ना, सुखी होंगे, ये आशा है। और क्योंकि सारे टीचर जी काफी मतलब आशान्वित हैं, और एक संबंध का भाव तो देख ही पाए आजकल, तो मुझे जहाँ देख मतलब हर जगह संबंध का भाव ही दिखता है, और जब संबंध का भाव दिखने लगता है तो हमें लगता है कि हर चीज हमारी मतलब आसान हो जाती है, और हमें हम सुखी रहते हैं, सुखी रहते हुए यदि हम काम करते हैं तो वो काम और ज्यादा उत्कृष्ट होता है, तो और सबको सुखी हम कर पाते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि और अच्छे मतलब काम वो काम और अच्छे से होने लगता है, वो जल्दी होता है। तो जी, मैं जी। तो आजकल इतनी सुखी जीवन जी रही हूँ, मुझे तो USB की ऐसी भूख है कि जहाँ जो कंटेंट मिल जाए और मैं कहीं नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं छुट्टी लेके और हमारे राज्यानंद संस्थान के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं, और उनकी उनके और स्कूल एजुकेशन हमारे लोक शिक्षण संस्थान DPI से हमारे धीरेन्द्र सर हैं और USB के प्रति। इसको थोड़ा संक्षेप में रखते हैं दीदी, कुछ लोग हैं।
जी भैया, और हम ये जानना चाहते भैया कि जानना क्या बोध का अंतिम चरम बिंदु है, जानना ये थोड़ा अलग है। तो उसमें चिंतन, बोध, अनुभव, इन तीनों को जोड़ कर कहेंगे जानना। जी जी वो तो है, पता है भैया, जान रहे हैं, पर बोध बोध क्या है, मतलब बोध जानने की चरम बिंदु है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, तो अगर कंप्लीटनेस देखें, पूर्णता तो अनुभव है, बोध नहीं। बोध का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को देख पाना, ये बोध है। जब अपन स्पेसिफिकली अभी देख रहे कल्पना शक्ति ऐसे डिसाइड करके देखते हैं तो विचार कम हो जाते हैं, विचार ज्यादा नहीं आते जब इंटेंशनली अब विचार देखना चाहते हो, और रुक रुक के आते हैं विचार। और दूसरी बात है कि जो विचार आते हैं एट रैंडम विचार आते हैं, कोई कॉलेज का विचार आएगा, कोई बाहर का विचार आएगा, ऐसा इंटेंशनली इसमें जब देखते हैं तो ऐसा भाव देखने के लिए कम अवसर मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा साझा करिए इसको सर प्लीज। हाँ, तो अभी शुरुआत में ऐसा होगा कि आपका ध्यान बहुत सारे मुद्दों पर जाएगा, अब उसके पीछे भाव को देखना है आपको। तो जब भी कोई विचार चल रहा है ना तो उसके प्रयोजन को आप देखें, इसका प्रयोजन क्या है। अच्छा अच्छा ओके। तो शुरू में बहुत रैंडमनेस दिखाई देगा, बट उन रैंडमनेस के साथ आपको दिखाई देगा कि पीछे कुछ भाव बना हुआ है। अच्छा अच्छा उस भाव के साथ फिर आपके अंदर ये ध्यान जो है एक मुद्दे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पे जा रहा है, तो भाव में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है ना। आराम में होंगे तो व्यवस्थित ढंग से चलेगा विचार, आराम में नहीं होंगे तो अव्यवस्थित ढंग से चलेगा विचार। ठीक है, जो हम अभी अभ्यास आज कर रहे हैं 10 मिनट का हमने किया, और इसमें तो जो ध्यान की परंपरा में जो ध्यान है और ये जो अभ्यास है, मतलब ये एक ही जैसी चीज है या अलग अलग है, इसको थोड़ा सा मुझे बताना आप। प्रश्न एक है, दूसरा एक छोटा सा और है उसमें, मैं अभी अभ्यास कर रहा था तो मेरे कुछ ऐसे विचार जो नेगेटिव विचार हैं वो बीच में आ जाते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज ऐसे पुराना कोई घटना है जीवन की वो आ रही है, तो उसको अभी सिर्फ देखना ही देखना है या मतलब उसको फिर जैसे आपने इसमें स्पष्ट कहा है कि उसको अभी छेड़ना नहीं है, उसको कुछ हटाने का प्रयास नहीं करना है, जिसको देखना है, तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी है कि वो इसी सिचुएशन में अभी क्या करना है। और पहला प्रश्न ये है कि ध्यान की जो प्रचलित विधियां हैं और ये हम जो कर रहे हैं ये सेम ही है या कुछ अलग है। देखिए ध्यान की तो बहुत सारी विधियां हैं, परंपरा में कई प्रकार से लोगों ने ध्यान देने का अभ्यास किया है। हम यहाँ पर जो ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं सीधे सीधे भाव को देखने का है, तो कुछ प्रयास है परंपरा में भी है ना भाव को देखने के, बट अभी उसमें ना जाए, उसको इसके और उसके कंपैरिजन में कोई मुद्दा नहीं है, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। मूल बात है कि हमको भाव दिख जाए, ये परंपरा में रखी गई विधियों से भिन्न है या समान है, उन सबके विस्तार में न जाकर सीधे सीधे भाव को देख लेते हैं। ठीक बात। अल्टीमेटली परंपरा में सत्य को देखने का, व्यवस्था को देखने का, संबंध को देखने का बहुत सारा प्रयास हुआ है, जिसने प्रयास किया है उसने अपने ढंग से कोई ना कोई विधि दी है ना, और फिर उसने जो विधि दी है उसके पीछे उसने कोई अपना एक पूरा प्रस्तावना रखा है। तो अभी उनके कंपैरिजन में नहीं जाते हैं, अभी तो इतना ही काम है कि हम अपने आप को देख पाए, भाव को देख पाए, विचार को देख पाए, कल्पनाशीलता को देख पाए। जी, और दूसरा भैया वो जो निगेटिव विचार, हाँ निगेटिव आ रहा है वो, उसको भी हम अभी प्रतिक्रिया ना करें, बदले नहीं, जैसा वैसा चलने दें, थोड़ी परेशानी लग सकती है बट चलने दीजिए। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे तो जब मैं कोई काम वाम करती हूँ या आराम करती हूँ तो ऐसे तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं जिनको मैं देख भी पाती हूँ उसमें भाव क्या है, लेकिन जब आप कहते हैं कि हाँ मतलब 10 मिनट का वो करते हैं तब उस समय तो कुछ भी नहीं आता है दिमाग में, उस समय तो बस ऐसे ही ब्लैंक हो जाता है, तो इसमें कैसे देखना है? वही इस पर बात लगता है या ना, और भी कई तरह के इश्यूज आते हैं, उस पर बात करेंगे सारे इश्यूज पे। अभी आप उसको हो सकता है फोर्सफुली देखने का अभ्यास करें, फोर्सफुली नहीं, जैसा चल रहा है देखिए, तो 10 मिनट में लगता है कि ब्लैंक है, 11 मिनट में कुछ दिखने लगेगा, 100 दिन में अभ्यास करके देखिए,
ठीक है ठीक है भैया।